अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाज़रीन एकराम, 12 दिसंबर, A to Z न्यूज़, मैसूर। बीफ कारोबारियों की कमर तोड़ने की कोशिश में मसरूफ़ बीजेपी सरकार। कर्नाटक के हालात मुख्तलिफ। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुकाबले कर्नाटक के हालात मुख्तलिफ हैं। वैसे हिंदुस्तान भर में गाय के ज़िबा पर पहले से ही पाबंदी है, जिस पर कर्नाटक में भी अमल हो रहा है, लेकिन अब भैंस के अलावा तमाम दीगर बड़े जानवरों के ज़िबाह पर आर्डिनेंस के ज़रिए पाबंदी आयत कर दी गई, तो किसानों को सबसे बड़ा नुकसान होगा। बड़े जानवर एक उम्र पर पहुंच के बाद ज़िरात के काम नहीं आएंगे, उन्हें रखकर उनके खाने पीने और देखभाल का बोझ किसान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बीफ का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले मुसलमान नहीं, दीगर तबक़ात हैं, जिसे दलित, कमज़ोर तबक़ात और ईसाई वगैरह। हाँ, चंद मुसलमान इस कारोबार में ज़रूर हैं, जिनकी छोटी मोटी बीफ की दुकानें हैं। बीफ का एक्सपोर्ट करने वाली तमाम बड़ी कंपनियों के मालिक हिंदू हैं। अगर इस मरहले में चंद महीने बीफ की दुकानें चलाने वाले खामोश रहें, तो रियासत में किसान और बीफ इस्तेमाल करने वाले खामोश नहीं बैठेंगे। बीजेपी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतर आएंगे। अब बीफ के नाम से सिर्फ मुसलमानों को जोड़ा जा रहा है। इस दाग को मिटाने के लिए बीफ कारोबार करने वाले एक हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हमने शहर मैसूर के जितने बीफ कारोबार हैं, जो कारोबार करते हैं, उनसे मुलाकात की, और जो किसान हैं उनसे भी मुलाकात की। देखें, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। मैं कितने की गरीबा की ज़िंदगी चल रही है, हम ना ये छोड़े तो काम दूसरा नहीं आता। ये बीजेपी हुकूमत आ जा को बहुत जुल्म दिया रही है। इनको क्या है सो अल्लाह चाहिए करना सो, हमें ये चार कास कमाने गया को कंकन से गया को मेहनत कर रही, ये छन्ना धंधा आता सो दूसरा ये छोड़े क्या भी नहीं आता। इन्हों बहुत जुल्म दिया रही, बहुत जुल्म दिया रही, इसे क्या है सो कुल पूरे अज्ञा मिल को जाको क्या है सो हमें पूरे एक खो को बातचीत करना। भैंस भी काटती, सब भी काटती, ये काटना नहीं वो काटना नहीं का, तो हम ना वो सब भी क्या भी हमें इतराज़ नहीं करते, हमें काटती सोच। ये बीजेपी हम ना क्या करते सो क्या उखाड़ लेते सो देखती सोच। मनाले दना सकदा ना अदा वो काले मुरदली आगे अदान बेरे कड़े मार्लेको अदरल नमें अब उपयोग इतने इन ना सत्तर तक ना मण्ड हाकु अदरल दुडेन उपयोग इला नम्बर दारी अदरल दन कर मड़को ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಯಾರೋ ತಗೊಳ್ಳ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ದನ ಮಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು? ಹಾಂ, ಆ ರೀತಿ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡೋಕೋಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹುತ್ ಸಾರಿ ಗ್ರೋಸಿ ಹೇ ಕೋಯ್ ಛಿಲ್ನೆ ವಾಲಾ ಹೇ ಕೋಯ್ ಕಟಾನೆ ವಾಲಾ ಹೇ ಕೋಯ್ ಬೇಚನೆ ವಾಲಾ ಹೇ ಕೋಯ್ ಖರೀದನೆ ವಾಲಾ ಹೇ ಕೋಯ್ ಖಾನೆ ವಾಲಾ ಹೇ ಕೋಯ್ ಅಬ್ ದೇಖೋ ಜೈಸೆ ಕಿ ಕೋಯ್ ದಿಲ್ ಕೆ ಲೀಜಿಯೆ ಐಸಾ ಬೂಟಿ ವಗರ ವೋ ಬೇಚನೆ ವಾಲಾ ಹೇ ಕೋಯ್ ಕಿಸಿ ಇಸ್ಮೇ ಏಕ್ ಏಕ್ ಆದ್ಮಿ ಕಾ ಘರ್ ಏಕ್ ಘರ್ ನಹೀ ಚಲ್ತಾ ಉಸ್ಮೇ हज़ारों अगर एक एक बिल कटा तो उसमें कम से कम 30-40 आदमी का घर चलता है उसमें। तो इस वास्ते क्या है तो ये रोज़ी जो है सबके वास्ते बहुत ज़रूरी, यहाँ तक कि किसान के वास्ते भी ज़रूरी, मुसलमान के वास्ते भी ज़रूरी, क्रिश्चन के वास्ते भी ज़रूरी है, हिंदू के वास्ते भी ज़रूरी है। वही बात हिंदू की, जो हिंदू जो है अगर जैसे कि बैल कोई बीमार हो गया या कोई बैल किसी क्या कोई भी नुकसान हो गया, बैल का टांग टूट गया या कोई अंधा हो गया, होता है बीमारी किसी भी होता है जैसे कि नुकसान हो गया बैल को, तो ले आकर उसे काम में नहीं ला सकता, तो उसे उसका पैसा वापस निकालने के लिए वो जो है बाजार को लेके आता है। प्रॉब्लम आदा सरकार नमेंगे सपोर्ट याके ना 50,000 को हसु तरती बदक के अल प्रॉब्लम नम्बे ना को नम्बर अब प्रॉब्लम काल जार आक्सीट आदा इला काले बंद डाक्ट्र आगो ಏನ್ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ಬಿಸಾಕೋದು, ನಾವು ತಗೊಬಂದು ಬೀದಿ ಬಿಸಾಕೋಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಬೀದಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಬೀದಿಲಿ 1,000 ಹಸು ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ 10-10 20-30 30 ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಸರ್ಕಾರ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬೀಫ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಓವರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವಿದೌಟ್ ದಿಸ್ ಬೀಫ್, ಸೊ ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಯು ಕೆನ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮೀಟ್ ಬೀಫ್.
दुकान बंद करा तो रोज हमारा कैसा चलना, हमारे जोर बच्चे है कूली करना, ये नहीं तो हमें क्या खाना। तुम्हें बंद करा तो हमारे पास है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या भी नहीं, मेहनत करा तो कमा खाती, नहीं तो हमें जोर बच्चे भूखे रहते। ये बहुत गलत कर रही सो ये, हमारे बाप दादा से सब खा लगा रही है, अब बंद करा लो तो तुम्हें कैसा बंद करा लिया, हमें सब पड़को यहाँ में कई को आया हमें यहाँ, हाँ हमें आई सोच हमारा पूरा पैसा अच्छी है, अब हम ना रोजी नहीं है, अब गवर्नमेंट से कहते भी हम ना रोजी होना, बस रोजी बना को दी उसके बाद बंद करो, ये क्या आएगा तो पूरे जने खा रही है, अब तुम्हें ले लगा को बंद कर को मैं ये कर डालू ये कर डाल दूंगा तो नहीं होता, वो गवर्नमेंट जरा सोच को ये करना सो। तो इसके अंदर 75% खाने की खौम है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, हिंदू है, दलित है, ये सब सबसे ज्यादा दलित भी ढेर खारी, जो मुसलमान से ज्यादा आज गवर्नमेंट ड्यूटियाँ उनके ही हर चीज़ है, उनका पैसा है, उनका है ज़्यादा खारी से उन्होंने छो। अब ये बंद करा लो तो सबको तकलीफ होती है, सारी आवाम को तकलीफ होती है, इंशाल्लाह नहीं बंद करे तो बेहतर है, अगर बंद करा तो इसके अंदर रैयत की बहुत बड़ी तस्वीर है, बहुत तकलीफ है, अब उन्होंने दो जानवर लगाती, दूध कम में आता है, खाली मुसलमान खारी नहीं हर कौम खारी है, ज़्यादा से ज़्यादा दलित लोग वो लोग पूरे लोग खारी सोचे, अब तकलीफ़ हो जाए रैयत को ज़्यादा, हम ना क्या भी तकलीफ़ होने का नहीं है, हमें रुपए डालती माल ले लगाती माल ले लगा कटाती फिर बना को फिर रुपए बना को उनको देती फिर उन्हें जानवर पालती फिर हमारे पास ले लगाती फिर देती, हम ना कभी उस पर फ़र्क पड़ता नहीं। ये क्या मकसद है कि मुसलमान ही खा रहा है क्या, कुछ हर इंसान खाने वाला है, पैर भी खा रहा है, ब्राह्मण भी खा रहा है, आजकल हर चीज़ जो इस्तेमाल कर रही है पूरा हमारे मुसलमान से ज़्यादा गहरा भी ही इसमें, बल्कि मुसलमान इस काट रहा, मुसलमान के ऊपर की टारगेट बना रही होता कि मुसलमान इस बच को है, सो दूसरे जात पात कोई नहीं है क्या, अब बल्कि खरीदती भाई किधर खरीद रही है, रैयत कहते खरीदती कहाँ खरीदती, बाजार जाती खरीदती लेके आती, रास्ते में तकलीफ, गाड़ी में बैल डाले तो तकलीफ, क्यों हमें चोरा ही क्या, हाल का हाल हाल करे करके ऐसा ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರ್ಗ್ಯಾರು ಅಂತರ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರು ಯಾರ ಕೆಸ ಮೂರು ಕೆಸ ತಕ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬೀಫ್ ಯಾರು ತಿನ್ನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಹಿಂದೂಸು ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ, ಇವಾಗಿಂದ ತಿಂತಲ್ಲ 100 ವರ್ಷದಿಂದ ತಿಂತವ್ರೆ, ಇವಾಗ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಬೀಫ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ನಮ್ಮ ಇದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಅದೇ ಬಂದ್ ಕರ್ದಲ್ಲೇ ತನ ಕಾಯ ಸಬ್ಕೂ ಭೀ ತಕಲೀಫ್ ಹಮ್ಮ ಏಕ್ ದಿನಕ್ಕೂ ನೀ ಹೈ ಕಿತನೆ ಇಸ್ ಜೀ ರಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಭೀ ಹೋ ರಹಾ ಮಾಲ್ ಉಸ್ಮೇ ಸೇ ಕಿತನೆ ಜೀ ರಹಿ ಮಾಲೂಮ್ ಹೈ ಉನ್ಕೋ ಇಸೆ ಹುಕೂಮತ್ ಕೋ ಭೀ ಮಾಲೂಮ್ ಹೈ ಹುಕೂಮತ್ ಕೋ ಸಬ್ ಚೀಜ್ ಕಾ ಭೀ ಮಾಲೂಮ್ ಹೈ ಫಿರ್ ಭೀ ರಹನೇ ಕೇ ಬಾವಜೂದ ಭೀ ಇನ್ಹೋನೇ ಜೋ ಕರ್ ರಹೀ ಇಸ್ಕೇ ವಾಸ್ತೇ ಮೇ ಹೈ ನಾ ಉನ್ಹೋ ಬಹುತ್ ಜಿಯಾದತಿ ಕರ್ ರಹೀ ಸರ್ ಹಾಂ ಜಿಯಾದತಿ ಕರ್ ರಹೀ ಸರ್ ಇಸ್ಕೇ ವಾಸ್ತೇ ಮೇ सोच को समझ को करना था, नहीं सोच को समझ को करे, देख इसका इंदा का इसका नतीजा क्या गुजरता है उनको खुद मालूम होता, बोल रही ना खा रही नहीं खाना ऐसा बोल को ये गलत दिया पूरा, कि उनके आदमी नहीं खा रही हक की बात करना, इससे किस किस को तकलीफ होती है, किसान सबको होती है ना तकलीफ, सबको तकलीफ, अब ये बंद होगा तो इससे ज्यादा हो रहा किसके हैं ये सब, क्या हमारे ही कितने इसके जो प्रोडक्ट ये हो रहा कंपनीज बड़े बड़े कंपनीज किसके हैं हमारे ही, कौन सप्लाई कर रहे हैं बाहर को, ये मसला क्या भी हमारा नहीं है सबका भी है सो, क्या भी हमारी वंटी की रोजी नहीं चल रही, कम से कम लाखों आदमियों की रोजी चल रही है, इसमें से बंद होगा तो लाखों आदमियाँ बेरोजगार हो जाती, क्या है तो ज्यादा हमारे से ज्यादा हमें कम खाती गोशी, हमारे से ज्यादा बाहर वाले खाती कम होगा तो उनको भी तकलीफ हमारा भी तकलीफ, बात खाने पीने की नहीं है, बहुत जने बेकार हो जाती है इसमें, लाखों आदमियाँ बेकार हो जाती है इसमें, हड्डी का चलता चमड़े का चलता, चमड़े वाले वेस्ट हो जाती हड्डी वाले वेस्ट हो जाती, हड्डी में काम करने वाले मजदूरियाँ वेस्ट हो जाती, क्या है सर देखो सरकार। मज़ीद उर्दू खबरों के लिए आप हमारे ए टू जेड न्यूज़ मैसूर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमेशा अपना और अपने घर वालों का ख़ास ख्याल रखें, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।